विजिलेंस यमुनानगर की टीम ने बिजली निगम कार्यालय रादौर में रेड कर लाइनमैन सुरेश कुमार को 6,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों काबू किया है। लाइनमैन सुरेश कुमार गांव बकाना निवासी जयप्रकाश से बिजली चोरी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसमें से 5,000 रुपये की रिश्वत वह पहले ही ले चुका था। रेड की सूचना मिलने पर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारी अपनी सीटों को छोड़कर इधर उधर खींचने लगे। लाइनमैन सुरेश कुमार से अब विजिलेंस टीम उसके साथ शामिल अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जांच करेगी। सुरेश को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विजिलेंस इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था जयप्रकाश वासी मकाना का। उसने बताया कि 2020 में उसके घर का कनेक्शन कट चुका था और उसने अपने बिजली के इंतजाम के लिए घर पे सोलर लाइट का इंतजाम किया हुआ है। उसके बावजूद भी 18 तारीख को बिजली की एक पार्टी आई थी बिजली बोर्ड की चेकिंग के लिए। उन्होंने आके कहा कि आप बिजली चोरी करते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जबकि मैंने कोई बिजली चोरी नहीं की, ना ही मैंने कोई तार लगा रखी, ना ही उनके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं। फिर भी उन्होंने नेक्स्ट डे टेलीफोन किया मेरे पास, भाई आप आगे बात करो अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो उन जेई के पास जाके उसके गाँव में मिला, जेई ने कहा भाई आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो उसने डर के मारे, बेचारा अनपढ़ आदमी है और गरीब आदमी है, 5,000 रुपये तो उसी टाइम उसने उससे ले लिए जेई साहब सुरेश कुमार जेई जी ने। और कल फिर उस पर टेलीफोन किया भाई 10,000 रुपये बकाया पेमेंट आओ दे के जाओ। और तो काफ़ी गिड़गिड़ाया हो रिकॉर्डिंग में जो मैंने सुनी है, उन्होंने कहा मैं 10,000 का इंतजाम नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 6,000 का इंतजाम हुआ है और वो मैं लेकर आ सकता हूँ अगर आप मैंने। तो उसने यस बोल दिया जेई ने, और सुरेश कुमार जेई के यस कहने पर शिकायतकर्ता हमारे को साथ लेकर के हमें रेडिंग पार्टी तैयार की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यानी वो तो गजिट अफसर जो स्वतंत्र गवाह के तौर पर लिया और एक छाया गवाह लिया सरकारी, उसको साथ लेके मैं टीम के साथ वहाँ पहुँचा। मुदई ने जाके 6,000 रुपये जो हमने उसको पाउडर लगा के दिए थे जेई को दे दिए, और जेई के जो मेज होती है दराज से 6,000 रुपये बरामद हो गए। तो अब हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कोई किसी और किसी कर्मचारी अधिकारी का कोई नाम तो नहीं है या इस प्रकार के पहले कोई इसने किसी लोगों से पैसे तो नहीं ठगे हैं। ये रादौर खंड में पोस्टेड था, ये फोरमैन है, लेकिन जेई की कमी के कारण एसडीओ साहब ने इसको जेई का चार्ज दिया था और जेई के बतौर ही कार्य कर रहा था। वो कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, इसी के बारे दोबारा क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे भैया इस राशि में किसी और का भी हाथ था क्या, लेने में नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम।